तो दोस्तों आज भी हम आपको टी शर्ट प्रिंटिंग दिखाने वाले हैं कि किस तरह से टी शर्ट पर फ़ोटो या नाम प्रिंट किए जाते हैं, जिसे सब्लिमेशन प्रिंटिंग बोलते हैं। तो ये हमारे पास ब्लैंक टी शर्ट है, तो जिस फ़ोटो या कोई भी टेक्स्ट को हमें प्रिंट करना है तो सबसे पहले हम इसकी डिज़ाइन बनाएंगे यहाँ पे। तो इसका डिज़ाइन हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है और उसके बाद में इसको प्रिंट करने के लिए यहाँ से प्रिंट कमांड देंगे, जो कि हमारा ये यहाँ पे सब्लिमेशन इंक वाला प्रिंटर है और इसमें ये सब्लिमेशन पेपर पड़ता है, इसी पे प्रिंट निकाला जाएगा, क्योंकि और नॉर्मल पेपर पे ये प्रिंट नहीं निकाला जाता है, इसका एक ख़ास पेपर आता है। ये देखिए, ये A4 साइज़ का पेपर है और इसी पर प्रिंट हम निकालने वाले हैं और इसको हम पावर ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद में हमारा प्रिंटर ऑन हो चुका है और यहाँ पे पेपर लगाते हैं। ये लग गया हमारा पेपर और अब इसमें हम प्रिंट करते हैं, जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है वो कर प्रिंट कर दें। तो यहाँ पे प्रिंट पे हमने किया और यहाँ की सेटिंग चेंज करनी है, प्रिंटर आप सेलेक्ट कर लें। प्रिंटर इस तरह से सेलेक्ट किया जाता है और यहाँ से अपना पेपर का साइज़ और यहाँ से एप्सन मैट किया जाता है, मैट फिनिश में इसको प्रिंट करना होता है और यहाँ पे क्वालिटी हाई रखनी होती है। और यहाँ पे इसके बाद में यहाँ पे मिरर इमेज पे क्लिक करना होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें जब मशीन पे रखेंगे तो हीट उल्टा ही रखना पड़ता है, जिससे कि ये प्रिंट होता है। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें कर ली हैं और अब यहाँ पर हम प्रिंट विद प्रीव्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है, ऐसा ही दिखेगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट प्रिंट दिस शीट नाउ पिक कर देते हैं, तो हमारा यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाएगा प्रिंट निकलना। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पेपर है वो अंदर चला गया है और ये प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई है। और उसके बाद में फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी जो हीट प्रेस मशीन है इसको हमने लगा दिया था तार से, और यहाँ पे इसको पावर ऑन करते हैं तब तक ये भी हीट हो जाए, क्योंकि इसको भी हीट होने में थोड़ा सा समय लगता है। तो देखिए दोस्तों, ये हीट होना स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे इसको हम हीट होने देते हैं, तब तक हमारा प्रिंटर से प्रिंट निकल रहा है। इसके ट्रे को खोल देते हैं बाहर। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों कि प्रिंटिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये किस तरह से प्रिंट इसमें हो रहा है, ऐसे ये पूरा हो जाएगा प्रिंट। उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं आगे का प्रोसेस। जब तक हमारा प्रिंट निकल रहा है दोस्तों, उसके पहले हम यहाँ पे जो टी शर्ट है उसको यहाँ पे सेट कर दें, क्योंकि यहाँ पे हमें टी शर्ट को भी सही से सेट करना होता है बराबर। तो वो किस तरह से करते हैं हम आपको दिखाते हैं। तो उससे पहले दोस्तों, अपने फ़ोन को स्टैंड पे लगा दें। दोस्तों हमने फ़ोन को लगा दिया है और ये रही हमारी टी शर्ट, और इसको जिस तरह से भी आप प्रिंट करना चाहते हैं, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, उस तरह से हमने इस तरह से रख दिया है अपनी टी शर्ट को, आपको बिल्कुल बराबर ही रखनी होती है। यहाँ पे हमने टी शर्ट को एकदम बराबर रख दिया है। हमने दोस्तों यहाँ पे टी शर्ट को एकदम बराबर से रख दिया है और थोड़ी देर के लिए हमें बिल्कुल 10 सेकंड के लिए मशीन को हल्की गर्म करके इसमें जो सिम्पटन वगैरह पड़ी है उसे हटाने के लिए इस तरह से प्रेस कर देंगे थोड़ी देर के लिए, जिस तरह से प्रेस की जाती है उसी तरह से बस 10 सेकंड हमें इंतज़ार करना है। तो लगभग 10 सेकंड हो चुके हैं, अब इसको उठाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जितने भी यहाँ पे रिंकल्स थे, जितने भी सिलवटें पड़ी हुई थी, वो सारी हट चुकी हैं और ये एकदम प्लेन हो चुका है। तो ऐसे ही हमें रखना है और अभी हमारा प्रिंट निकल रहा है। जैसे प्रिंट निकलता है तो यहाँ पे हम आपको आगे का प्रोसेस दिखाएँगे। दोस्तों हमारा जो प्रिंट था वो निकल चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये अभी उल्टा है,
इसको हमें इस तरह से रखना होता है कि इसीलिए ये उल्टा किया गया है। इसको जब ऐसे रखेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। तो उससे पहले दोस्तों ये नाम हमें पीछे की ओर प्रिंट करना है, तो नाम को अभी हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे टेक्स्ट है इसको हम हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें अभी नहीं है यहाँ। ये देखिए ये नाम को हमने कट कर लिया है, इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको हम पीछे प्रिंट करने वाले हैं। ये अलग रख देंगे और ये अब इमेज को हमें यहाँ पे प्रिंट करना है। तो इसको ऐसे रखना होता है, बिल्कुल बराबर से हमें रखना होगा। और उसके बाद में दोस्तों ये सब्लिमेशन टेप होता है, ये हीट रेजिस्टेंट टेप होता है। तो इससे हमें थोड़ा थोड़ा सा लगाना है दोनों साइडों में, जिससे कि ये पेपर अपनी जगह से खिसके ना। एक तरफ हमने लगा दिया है और दूसरी तरफ लगाना है। दोस्तों हमने दूसरी तरफ भी लगा दिया है और मशीन का टेम्परेचर देखते हैं। ये हो चुका है 330, इसे 350 होना है, 350। उसके बाद में ही हमें इस पे प्रेशर डालना है। तो अभी आपको दिखाते हैं ये होता है जैसे ही। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा टेम्परेचर पूरा हो चुका है और अब इसे प्रेस करते हैं और यहाँ से इसकी टाइमिंग शुरू करेंगे। यहाँ 50 सेकेंड की इसमें टाइमिंग लगी हुई, 50 सेकंड वेट करना है अभी हमें। उसके बाद में मशीन को हम हटाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अभी लाइट चली गई है फिलहाल और यहाँ पे समय भी लगभग हो गया था, तो इसको हम अभी हटा के देखेंगे। देखते हैं दोस्तों इसको हटा के। तो ये मशीन को हमने हटा दिया है। ये देखिए दोस्तों हमारी जो प्रिंटिंग है वो हो चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स इसकी क्वालिटी बहुत ही क्लियर आती है फोटोज की। और ये छूटने वाली नहीं है, जब तक टी शर्ट रहेगी तब तक इसका प्रिंट रहेगा। तो ये देखिए दोस्तों, तो इस तरह से टी शर्ट की प्रिंटिंग की जाती है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें।